जोर नाक में खाओ। नवलदेव ने चिट्ठी लिखी गुरु धन्वंतर के लिए। गुरु धन्वंतर 1400 चेलन को लेके चले, क्योंकि गुरु धन्वंतर की जहां तक नजर जाती थी वहां तक का जहर उतर जाता था। अब महाराज उतर से आए रहे, तब तक तक्षक रस्ते में मिल गो। एक वृक्ष पे फुसकार मारी, वृक्ष सूख गया, और जैसे ही गुरु धन्वंतर की नजर पड़ी वृक्ष हरा भरा हो गया। समझ गए जावे जायरे जीवित कर दिए। आगे सोटा बन के लेट गो धन्वंतर, वो सोटा बड़ो अच्छो लगो। उठाओ सोटा, पीठ में खुजली मची, सो खुजलाने लगे। पीठ में तक्षक ने डसली, और पीठ पे तो निगाह नहीं जा सकती। तो चेलन से बोले कि काम करो, हमें जमीन पे गाड़ो और ढांक बजाओ, हम ठीक हो जाए। अब चेलन ने जमीन पे गाड़ के ढांक बजाए, वो शुरू करी। अरे मीठी बोली कोयल की लला, बजाई। तक्षक आएंगे, बोले गुरुजी को गाले निकाल लो, निकालो। गुरुजी बोले जैसे मर रहे हो ना वैसे ही मरो, हमें काट के रांधे के खा जाओ, जितनी विद्या हम में है सब तुम में पहुंचे। हड़ियां चढ़ाई, नमक डालो, और नमक डाल के नमक चीख पाओ, तब तक तक्षक फिर आएगो। बोले गुरुजी को मांस खा रहे हो, नरक में जाओगे। भैया यहाँ जब नमक चीखो तो उतनी विद्या वशी भर रही है, खा ले तो अता दियो, बिच्छू खा ले तो अता दियो, ऐसो वैसो कोई सांप खा ले तो अता दियो, को करिया नहीं खा लो तो तरवे वालो। सारी हड़िया जो थी वो नदी में फेंकी, बंगाल वालों ने मांस खाया, सारी विद्या बंगाल में पहुंची। वहीं पर परीक्षित के लिए आया विमान, विमान में बैठ करके परीक्षित वैकुंठ में पहुंचे। उनके पुत्र हुए परीक्षित के जनमेजय। जनमेजय ने सुना कि मेरे पिता को सर्पों ने डसा, अब सर्पों की बलि देना शुरू कर दिया। आज तक मुनि ने आकर के रोका तो जनमेजय मान गए। इस प्रकार से महाराज वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और भागवत का अंतिम श्लोक बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सवनः तव नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सवनः तव नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सवनः तव नमामि हरि परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और ये भैया माल्यार्पण कर रहे हैं ललित कश्यप भैया जी, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहें, जो भी इच्छाएं हैं वे पूर्ण होती रहें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे।
यही वाला सौर आकांक्षा है। और ललित भैया के घर में हमेशा सुख और संपत्ति बनी रहे वाला सौर आकांक्षा है। और ये मुकेश कश्यप भैया जी ग्राम दौलतपुर और सुनील भैया जी रंजीत भैया जी मल्लारपुर कर रहे भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, भगवान भोले बाबा धन के भंडार भरते रहे वाला सौर आकांक्षा है। बोली कन्हैया लाल की तेरी मीठी लाई।